मैंने उनका सामान ले लिया था, लेने के बाद वहीं फेंक के आ गया एक पार्टी के पास। उनको बोल के आया कि आपके जो क्लाइंट है वो इतना बदतमीज़ है कि ऑर्डर कैंसिल कर सकता है लेकिन ऑर्डर मॉडिफाई नहीं कर सकता। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी दोस्तों। आज है शनिवार और आज मैंने उबर और वी फास्ट दोनों पे काम किया। आज दरअसल मेरे साथ ये हुआ कि ऊबर पे मेरे को यार इंसेंटिव नहीं मिला, मतलब इस वीक मेरे को ऊबर पे इंसेंटिव नहीं मिला, तो इस वजह से मैंने ऊबर और वीफास्ट दोनों पे एक साथ काम किया। कस्टमर लेकिन मेरे को भांति भांति के मिले यार, इतने भांति भांति के मिले कि बस क्या बताएं। एक कस्टमर ऐसी थी, अभी आप फील्ड की क्लिप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि वो अपने बाप की जागीर समझ रही थी कंपनी को, और कहती है मतलब रॉन्ग लोकेशन डालकर और 2.5-3 किलोमीटर दूर बुलाने के बाद लोकेशन मॉडिफाई करने से मना कर रही है और अकड़ रही हैं। कह रही है कि आपको आना है तो आ जाओ, नहीं तो मैं कैंसिल कर दूँगी। तो कैंसिल कर दो भाई, हम कौन सा बिसर बैठे हुए हैं, हमें दूसरा ऑर्डर मिल जाएगा। तो ऐसा ही किया, कैंसिल कर दिया उसने। वो अपने हाथ से ऑर्डर को कैंसिल कर सकती हैं लेकिन मॉडिफाई नहीं करेंगी लोकेशन। तो इतने मस्त मस्त कस्टमर मिलते हैं। दूसरा भाई, एक मस्त कस्टमर मिली, उनके मित्र से लड़ाई हो गई और उस मित्र से लड़ाई होने पर उनको उनका गिफ्ट जो था वापस देना चाहती थी और वापस दिलवाया उन्होंने, और साथ के साथ हमसे ये चाहती थी कि हम उसके मित्र को अपशब्द कहें, लूज़र कहें हम। किंतु हमने ऐसा नहीं किया यार, ऐसा करना गलत है यार। हम किसी भी कस्टमर को, चाहे कोई भी पार्टी हो, हम अपशब्द नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। और एक और बड़ा मस्त कस्टमर मिला यार, जो हमसे कह रहा था कि यार दही लेके आ जाओ मतलब वो उसके घर की दुकान के पास, मतलब उसके घर के पास एक दुकान थी, मदर डेयरी थी, वहाँ से वो हमसे चाहता था कि दही लेके आ जाओ। तो यार इस चीज़ में ना कंपनी को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। खैर हम तो मना कर ही देते हैं इन चीज़ों के लिए, किंतु यार कंपनी को भी इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि इतना ज़्यादा कस्टमर सेंट्रिक नहीं बनना चाहिए, जिससे क्या होगा कि जो उनका बेस है, कस्टमर तो है, दो ही पहलू होते हैं किसी कंपनी के लिए, एक कस्टमर और दूसरा राइडर। तो एक पहलू अगर दूसरे पहलू का शोषण करेगा तो इससे नुकसान होगा, कंपनी को भारी नुकसान हो सकता है। तो कस्टमर को ये लगता है कि भाई जो राइडर है वो उसके बाप का नौकर है, क्योंकि उसने कंपनी खरीद ली है एक ऑर्डर बुक करके, तो उनके पिताश्री का नौकर है, उनकी जायदाद है, इसलिए उनसे कुछ भी काम करवा सकता है। और वो हमसे कह रहा था कि दही लेके आ जाओ, जो कि हमने मना कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके के अजीब अजीब कस्टमर आज हमें मिले। साथ के साथ एक भाई हमें मिले, उसकी भी एक छोटी सी क्लिप दिखाऊंगा। और उन्होंने जो उनके पास टू व्हीलर था उस पर येलो टैक्सी ले रखी थी, और येलो टैक्सी मतलब येलो नंबर ले रखा था, माफ़ कीजिएगा, येलो नंबर ले रखा था, यूपी का नंबर था, और वो एक स्कूटी थी। तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि एक कंपनी है फ्रीडो करके एक कंपनी है, जिससे वो रेंट पे चलाते हैं, वो रेंट पे चलाते हैं, 150 रुपये पर डे वो रेंट देते हैं उसका, और बाकी पूरा दिन वो काम करते हैं, तेल वेल सब कुछ उनका, और 150 रुपये में वो काम करते हैं। हालांकि बस एक मेरे से गलती होगी कि मैं ये पूछना उनसे भूल गया कि भाई कुछ सिक्योरिटी अमाउंट भी जमा करवाना पड़ता है, हो सकता है करवाना पड़ता हो तो, पर चलो कोई नहीं, कभी फिर ऐसा कुछ दिखेगा तो ज़रूर आपको बताऊँगा। तो एक अच्छा वो था, 150 रुपये कुछ ज़्यादा नहीं है, एक दिन में अगर कोई बंदा 1100-1200 रुपये या इससे ज़्यादा कमा ले और 150 रुपये का वो रेंट दे दे, हेल वेल का भी देखना पड़ता है, ठीक है। तो एटलीस्ट 1500-1600 रुपये अगर कोई कमाएगा और 150 रुपये रेंट प्लस तेल देगा तभी थोड़ा सा फ़ायदा हो सकता है, अदरवाइज थोड़ा नुकसान होगा। चलो जो भी था, और उस भाई से मैंने बात की बट वीडियो पे आने से उन्होंने मना कर दिया था, इसलिए सिर्फ जो बात करी थी मैंने वो ही आपको बता दी। तो आज का ऐसा दिन रहा, और कुछ क्लिप्स देखिए अब फील्ड की, बड़ी इंटरेस्टिंग है। और अभी तक आपने वीडियो देखी है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि यार प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। एक छोटा सा पोपट हो गया कि ऊबर में आज मेरे को इंसेंटिव नहीं मिला, क्योंकि
ऊबर का जो इंसेंटिव होता है वो मेरे उस पर शो नहीं कर रहा है आज, मतलब इस वीक शो ही नहीं कर रहा है। तो और मेरे दोस्त जो मेरा दोस्त कर रहा है उसके पे कर रहा है। तो ऐसा होता है रेंडमली कुछ राइडर्स के पास कभी इंसेंटिव शो होता है, कईयों के पास नहीं होता है। अब ऐसे में मेरी कमाई में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है इससे, ये लगा लीजिए कि आज लगभग आधी कमाई हुई है मेरी और दिनों के मुकाबले, जब ऊबर में इंसेंटिव अच्छा होता था तो उसके मुकाबले आधी ही कमाई हुई है। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी वीफास्ट के कस्टमर्स के बारे में बात करता हूँ। ऐसे अजीब अजीब कस्टमर मिलते हैं भाई, लोकेशन पे बुला लिया, लोकेशन रॉन्ग डाली हुई है, मैंने कहा कि सर मॉडिफाई कर दीजिए, सॉरी मैडम मॉडिफाई कर दीजिए, लेकिन अकड़ इतनी कि कह रही है कि भैया आपको आना है तो आ जाओ, नहीं तो मॉडिफाई मैं नहीं करूँगी, मेरे पास दुनिया भर के काम है। तो मैंने कहा कि मैडम मॉडिफाई नहीं करोगे तो आप कैंसिल कर दो, कह रही हाँ कैंसिल कर दूँगी। आप देखिए कितने महान लोग हैं कि अपनी उंगलियों से ऑर्डर को कैंसिल कर सकते हैं पर एड्रेस मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। 2.5 किलोमीटर दूर का डिस्टेंस था, मैंने ये भी समझाया कि मैडम अगर मैंने आपका सामान उठाया तो मैं ऑर्डर क्लोज़ नहीं कर पाऊँगा क्योंकि डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है और मुझे 2.5 किलोमीटर बैक जाना पड़ेगा। पर ऐसे कस्टमर्स को कुछ समझ में कहाँ आता है, ये अपनी ईगो पे बात ले जाते हैं। और सेम वही मैंने किया कि अगर इन्होंने ईगो पे बात लेनी थी तो ले ली, मैंने उनका सामान ले लिया था, लेने के बाद वहीं फेंक के आ गया एक पार्टी के बाद, उनको बोल के आया कि आपके जो क्लाइंट है वो इतना बदतमीज़ है कि ऑर्डर कैंसिल कर सकता है लेकिन ऑर्डर मॉडिफाई नहीं कर सकता। भाई ऊबर का यार क्या मस्त ऑर्डर आया था अभी, मतलब कैसे कैसे लोग हैं यार इस दुनिया में। एक लड़की, उसके अपने बॉयफ्रेंड से लड़ाई होगी भाई, तो उसका सामान वापस दिलवाने के लिए ऊबर बुक की थी उन्होंने, सामान डिलीवर कर दिया और हमें कह रही है मैडम कि भैया उस बंदे को है ना लूज़र बोल देना। अब भाई तुम्हारा अपना पर्सनल मैटर है यार, हमें क्यों इस चीज़ में धकेल रहे हो, हमारी जॉब खाओगे क्या?